जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रसाद के रूप में कुछ भी ले जाओ यार, आप ही दे दो तो जो आपको खाना हो, जो उचित लगे ले जाओ। नमकीन हम तो ले रहे हैं, तो आप लोग देख सके तो जय माता दी। आपकी यात्रा पूरी सफल करे। थैंक यू महादेव, हर हर भोले, जय माता दी, जय माता। तो इन्हीं भाई साहब ने ले बाय केला और बिन भाई साहब ने लाए जय सेव। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ, आपके प्यार और सपोर्ट से स्वागत है हमारी माँ वैष्णो देवी साइकिल यात्रा में। एक बार फिर मैंने साइकिल अपनी तैयार कर ली है, बैग लगा के तो साइकिल ये खड़ी है यहाँ पे इधर कुछ इस तरीका से। और सुबह के बज गए 7:30, तो मैं आज यहाँ पे रुके थे। ये ढाबा है, ये नाम यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो आप दिखा रहे हैं आप लोगों को। यह है शुद्ध ढाबा, शुद्ध वैष्णो ढाबा, तो इस नाम से है कुछ। तो मैं आज यहाँ पे रुके थे, बढ़िया व्यवस्था हो गई थी, पर मैं कि चारपाई वगैरह मिल गई थी। जैसे 4-5 दिन तक मिलता रही है, तो वैसे भी आज भी हो गई थी। और आज मेरा साइकिल यात्रा का है 7वां दिन, 6 दिन समाप्त हो गए हैं। तो 7वें दिन की मॉर्निंग की नए दिन पे नई शुरुआत करने जा रहे हैं। साइकिल मेरी तैयार खड़ी है और हम चल रहेंगे। तो अभी हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं और खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो अभी बना नहीं है खाना। तो चल रहे हैं, तब तक घंटा आध घंटा जो कुछ हुई है अपनी साइकिल चला लेंगे, बाकी बाद आएंगे चले खाना के और दवाई वगैरह है वहीं पे खाएंगे चले के। तो चल रहे हैं, जय माता दी। से हम वहाँ पे होटल पे रुके थे, तो खाना तो अभी खाया नहीं है, और हम वहाँ से निकल आए तो हमको एक बोर्ड मिला है ये सामने, तो धर्म नगरी कुन क्षेत्र की यात्रा चल रहे थे। तो भैया जी ने रोको है, ड्राइवर हैं ट्रक वाले जो हमारे पीछे आ रहे हैं, तो देख रहे हैं काहे के मैं रोको। तो चल रहे हैं उस्ताद जी, जय माता दी। चाय पिएगा भाई? नहीं चाय नहीं पियेंगे, चाय से हमको दिक्कत है थोड़ी, मेरे गाड़ में दर्द हो रहा है, तो इसलिए हम चाय अभी बंद कर दी है 2 दिन से। और पिछले मिलता जूस पिला देता नहीं, ठीक है वो आपने रोका है, हमने की शायद कुछ बात हो इसलिए रोका। नहीं चाय नहीं पियेंगे, खाना थोड़ी दो थोड़ी चल के वहाँ पे खा लेंगे हम अभी अभी। तो यहाँ तो चलो आप भी खाओगे? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो उस्ताद जी ने रोको, ठेला वाले थे, तो हमने कही साथ कोई बात हो पूछा तो, लेकिन ये बात ना है, केवल मतलब चाय पानी का ही खाना का ही पूछ रहे थे। तो हमने कही अब थोड़ी देर में चल के खा लेंगे, बोल रहे चलो खा ले। तो हमने कही आप भी खाओगे? कितने बोल रहे थे तो नहीं खाएंगे, आप खा लो। चलो चल रहे हैं आगे होटल पे, तो खाना खा लें बाकी बात करेंगे। और सुबह के 8 के करीब तो ये है होटल, तो यहाँ पे खाना खा लें। उस्ताद जी ये खड़े हैं सामने, तो यहाँ पे खाना में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमने बोली चलो आगे खा लें। उस्ताद जी बोल रहे चलो आगे चल रहे तुम्हारे साथ साथ वहीं पे खाने, तो चल रहे प्लान साइकिल अपनी लेके। जय माता दी, इंस्टाग्राम चलाते हैं, चाय नहीं पियेंगे भाई, मुझे दिक्कत है थोड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल वगैरह खुलवा रहे थे, तो हमने बताया दोगे और बंदा हुए इनके में, और फिर हम चल रहे हैं। जय माता दी भैया जी, तो अभी हम चल रहे हैं आगे। उस्ताद जी बोल गए हम आगे मिलेंगे, तो फिलहाल में मैं भी चल रहा हूँ। तो ठीक है, जय माता दी, चाय पी लो। चाय नहीं पियेंगे सर, ये आपको अभी बताया, मुझे दिक्कत है थोड़ी। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। अंकल जी बोल रहे हैं कुछ ले जाओगे? जय माता दी, ले जाओ प्रसाद के रूप, प्रसाद के रूप में कुछ भी ले जाओ यार, आप ही दे दो तो जो आपको खाना हो, जो उचित लगे ले जाओ। नमकीन हम तो ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ से दुकान से मूंगफली के दाने एक पैकेट तोड़ लिया है, और अब चल रहे हैं। जय माता दी,
तो अंकल जी चाय वगैरह की पूछ रहे, चाय वगैरह जूस वगैरह पी लो। तो हमने चाय तो हमने बताई है, जैसे हमें दिक्कत है वह तो चाय ना ही पिए कि हम क्यों। जब अंकल जी जाना कह रहे तो मैंने नमकीन को पैकेट एक तोड़ लो जो मूँगफली के चिया है, और अब यहाँ से हम चले आए थे। ऐसे खाना की थोड़ा टाइम लग रहा था ताकि मार कर हम चले आए और साइकिल चले गए। बोल रहे थे आगे मिलेंगे जहाँ होटल हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे खा ली। और हमें हंसी हो रही कैसी, जैसे हम माँ वैष्णो देवी साइकिल यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे लोग बाग मिलते हैं और जैसे बर्ताव करते हैं हमारे साथ में, यानी पानी से लेके चाय नाश्ता खाना तक। और तब पूछे थे खाने का जी, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। माता रानी दरबार में जा रहे हैं तो अगर कोई दे रहा हो तो भाई निराशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी रहेगा हमारी अगर मन से ले दे रहा हो तो ले लेना चाहिए। और हरियाणा में ऐसी हरियाली बनी रहे, क्योंकि माता रानी के भक्तन को तो प्यार और शिक्षक सकते हैं। खाना पीना तो लेके चाय नाश्ता तो सभी चीज को तो फिलहाल मन से ले कंटिन्यू होती यात्रा पे। हाईवे पे जो मतलब अम्बाला की साथ जा रहे हैं, अम्बाला में यहाँ से होगा मेरे से लगभग 6-7 किलोमीटर रह गया है अम्बाला के, तो अभी हम चल रहे हैं कंटिन्यू। और सुहाना मौसम सुबह का कितना अच्छा और सुहाना व्यू दिख रहा है यहाँ पे, एकदम हरी भरी हरियाली। और हम तो ये कहते हैं आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखो और सपोर्ट कर भी रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भी हम कहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो शेयर करो और वीडियो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजो, जाके हमें यहाँ पे मतलब लोग बात से मिल के खुशी हो रही है, बात से ज़्यादा मिले कमेंट करके खुशी हो। तो बाद में इतना ही, जय माता दी। कहे अम्बाला कैंप से तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम फ्लाई ओवर पे खड़े हैं और सामने जो है अम्बाला कैंप स्टेशन और इंजन जा रहा है जी। हमारे अंदर तो कहूँ गाड़ी में लगे जाए के फोन, तो अब हम चल रहे हैं अपनी रास्ता पे। तो अम्बाला कैंट आप स्टेशन देख ही सकते हो कितनी बड़ी स्टेशन है, देखो यहाँ पे स्टेशन है ये। हम चल रहे हैं अपनी फ्लाई ओवर पार कर रहे हैं जो, तो चल रहे हैं अपनी यात्रा साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो हमें दो लोग मिले जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, शायद माँ वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो आप लोग देख सके तो जय माता दी। तो साथ में चल रहे हैं दो लोग हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम तो फिर साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी मतलब कठिनाई या कुछ भी सही कि माता रानी दरबार में जाए का इच्छुक है, तो अपनी यात्रा सफल करने का कोशिश में लगे हुए हैं और चल रहे हैं जय माता दी। साथ ही देख सकते हो कितनी कठिनाई से हम ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, ये बनाते हैं और आप लोग सपोर्ट करो तो हमें बहुत खुशी हुई और ऐसी बात नहीं कर भी रहे हो आप लोग सपोर्ट, तो जय माता दी लिखे जरूर भेजते रहो। और चैनल पे नए हो या फिर चैनल सब्सक्राइब कर गए प्रॉपर अम्बाला में, तो आप लोग हम कह रहे हैं अम्बाला को गेट तो जे है गेट अम्बाला को, और विष्णु भगवान को अस्त्र विराजमान शंख। शिमला चंडीगढ़ के लिए तो हमने रोड चेंज किया है, अभी देवाला छोड़ के इस पे चल रहे हैं अभी हम, जो माँ वैष्णो देवी भवन का जी दिखा रही है रास्ता मैप पे, तो भाई मैप के जरिए चल रहे हैं। तो मिलते हैं जय माता दी। गाय सवे में चंडीगढ़ में तो देख रहे हैं ये क्या चीज है, दिखा रहे हैं आप लोगों को ये चंडीगढ़ में अभी चल रहे हैं। तो अभी हमें एक मैडम जी मिली थी, वो भी उन्होंने आन दिया मुझे, हम रुके हैं तो उन्होंने कुछ मदद की है, 200 रुपये दिए, बोले कुछ खा लेना। हमने कहा ठीक है, हम बोली पूछ रही थी कहाँ से हो, हमने कहा यूपी से, तो बोल रही थी कौन सी जगह से, हमने कहा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, तो बोल रही थी मैं भी यूपी से शामली से, हमने कहा ठीक है थैंक यू।
मैडम जी चली गई और हम चल रहे हैं अपनी साइकिल पे। अभी इस वक्त चंडीगढ़ में खड़ा हूँ मैं। देखिए चंडीगढ़ का नज़ारा कुछ इस तरीके का। उसकी बात करी जाए तो यहाँ पे पेड़ बहुत सारे हैं रोड पे, नहीं मालूम पड़ते है जी। अरे 12 प्लस हो गए, 12 से ऊपर टाइम हो रहा हूँ या नहीं मालूम पड़ते। 12 बजे हुई है, धूप है जी ज़्यादा। तो बस चल रहे हैं कंटिन्यू, जय माता दी सब लोगों को। तो अगर हम चल रहे थे तो यहाँ पे भाई साहब ने रोको है, वो खड़े सामने हेलमेट लगाए बाइक वाले, तो उन्होंने रोको तो केला लिपाए खाने के लिए। और ये भाई साहब हैं ढेली लगाए हैं सेव और क्या क्या चाहिए अनार वगैरह। यात्रा पूरी सफल करें। थैंक यू, हर हर भोले, जय माता दी, जय माता। तो इन्हीं भाई साहब ने लिपाए केला और बिन भाई साहब ने लगे गए सेव के लिए। सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। थैंक यू भाई, जय माता दी। फिलहाल चल रहे हैं वहाँ तो, और केला भाई साहब चले गए थे के और हम चले आए, तो सेव हमने रख लाए हैं बैग में अरे अंदर, और जो केला थे तो वो हम खा लगे केला खा रहे। अब हम चल चढ़ रहे हैं फ्लाई ओवर पे, तो जय माता जी सब लोगों को। और अभी तुम लोग तो माता रानी का ही भेंट दिए तो हम ये रख ले रहे किराए पे सारी। ये जैसे हम इन पे बैठे थे आराम कर रहे थे रेस्ट लो, तो हमें भैया जी मिले हैं जो कि हमारे इधर ही के हैं, एटा साइड के एटा के हैं, और इनकी ननसार है मतलब रिश्ता है मैनपुरी में, तो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हम हुए। तो भैया से मिले तो बहुत खुशी हुई। तो अभी फिलहाल में जो भैया जी यहीं पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हो? कैशियर की नौकरी। कैशियर की नौकरी है, अपना एड्रेस दे देना एक बार। मेरा गांव तो पूरिया है, जिला एटा है। और अपना नाम? मेरा नाम है नीरज यादव। नीरज यादव, तो भैया बहुत खुशी हुई है मिल के कि हमारी तरफ के मिले। और हम तो जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी, जैसे आप लोग जानते ही हो। ट्रेन पे रुके थे थोड़ी देर पहले, मतलब एक घंटा होगा लगभग मुझे यहाँ पे रुके, तब बस जय माता दी लिख गया और हम चल रहे हैं फिर। अब तो जय माता दी भैया जी।